नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अभियोजन विभाग में दो अधिकारियों द्वारा पैसा लेकर गैंगस्टर बनाने का वीडियो हुआ वायरल। जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को सौंपा जांच। जांच में दोनों अधिकारी पाए गए दोषी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, दोनों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के लिए शासन को लिखा पत्र। मंगलवार को शुरू होने वाले योग अमृत सप्ताह की तैयारियों को लेकर सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक का। 21 जून को योग दिवस में गोरखपुर से 8 लाख लोगों के शामिल होने का रखा गया है लक्ष्य। योग दिवस पर शामिल होने के लिए किया जा रहा है प्रचार प्रसार। IGRS पर आई शिकायतों के निस्तारण पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सभी अधिकारियों को 10 बजे से कार्यालय में बैठकर सुनने के लिए दिया गया है निर्देश। हर हफ्ते IGRS पर आई शिकायतों की जाएगी समीक्षा। सभी मामलों का 100% किया जाएगा निस्तारण। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में बने नए कॉन्फ्रेंस सभागार का मुख्य अतिथि अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त SB सिन्हा ने किया उद्घाटन। निरीक्षण कर कार्यालय का लिया जायजा। कहा, पेंशनरों को सभागार में उनकी समस्याओं के समाधान देने में होगी सुविधा। दो पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर SBI ने पुलिस सर्विस पैकेज स्कीम के तहत 40-40 लाख रुपए की दी सहायता। SSP डॉक्टर विपिन ताडा व बैंक के मैनेजर ने दोनों पुलिस कर्मियों के परिजनों को सौंपा चेक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय पर पेंशनर सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अनाथ बच्चों को कार्यालय पर बुलाकर पौधा देकर किया गया सम्मानित। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आदेश की प्रति हस्तगत करते हुए उन्हें भी किया गया सम्मानित। और जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट से पर्यटन विभाग के ग्राउंड में हुआ शिफ्ट। जिलाधिकारी ने कहा, कलेक्ट्रेट के नए कार्यालय के निर्माण होने तक नागरिक पर्यटन विभाग में स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर बता सकते हैं अपनी समस्याओं का 100% होगा समाधान। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर के अभियोजन विभाग में दो अधिकारियों द्वारा पैसा लेकर गैंगस्टर बनाने का वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि गोरखपुर के अभियोजन विभाग में दो अधिकारियों द्वारा पैसा लेकर गैंगस्टर बनाने का वीडियो वायरल हुआ तथा एक व्यक्ति अविरल सिंह के ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, DM गोरखपुर, गोरखपुर पुलिस, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को टैग किया गया है। पोस्ट में लिखा है कि गैंगस्टर के मामलों में घूस लिया जा रहा है। वह भी गोरखपुर में प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन अशोक वर्मा तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रणविजय द्वारा गैंगस्टर अपराधियों को बचाने के लिए जो 2 मिनट 19 सेकंड का वीडियो अभियोजन कार्यालय का है, जिसमें वर्दी पहने व्यक्ति का चेहरा धुंधला करके छुपाया गया है। वह अधिकारी से गैंगस्टर के मामले में काम कराने की गुजारिश कर रहा है तथा पुलिस वाला नोटों की गड्डी अधिकारी को थमा देता है। इसी वीडियो में एक दूसरे हिस्से में एक व्यक्ति सादे कपड़े में अधिकारी के कार्यालय में बैठकर बात कर रहा है। कुछ देर बाद व्यक्ति रुपए निकालकर अधिकारी को देता है, जिसे वह दराज खुलवाकर उसमें रख देता है। वीडियो की जानकारी होने पर GM ने ATM सिटी को जांच सौंप दी। प्रारंभिक जांच में ही क्लियर हो गया कि वीडियो में रुपए लेते नजर आ रहा अधिकारी प्रभारी निदेशक अभियोजन अशोक वर्मा तथा ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी रणविजय ही है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि रविवार को एक व्यक्ति द्वारा ट्वीट किया गया था, जिसकी जांच के लिए ADM सिटी को नामित किया गया था, जिसमें ADM सिटी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट किया गया है, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है, जिसके आधार पर शासन स्तर को कार्रवाई हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। उन्होंने कहा, आगे भी इस तरह का कोई मामला आता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा यहाँ की जो समस्या होगी उसको दूर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा,
एक ट्वीट हुआ था कल अराउंड 2:30 बजे के आसपास, तो उसको हम लोगों ने जांच कराने के लिए ईडीएम सिटी साहब को नामित किया था। उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया था कि मतलब जो व्यक्ति उसमें दिखाया गया है वही अधिकारी है, उनका नाम कोट किया गया, तो उन्होंने इसकी पुष्टि की, तो उसके आधार पर शासन में कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दी गई। बहुत सख्ती से डील किया जाएगा, पब्लिक ऑफिस पब्लिक बेनिफिट्स के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए, और अगर इसमें किसी तरह का अगर इस तरह का शिकायत आएगा तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त की जाएगी। देखिए ऐसा है, हर जगह का एक लोकल रिक्वायरमेंट होता है, वी आर हियर टू एडजस्ट विद द लोकल रिक्वायरमेंट। यहाँ जो प्रायोरिटी प्रोग्राम्स हैं, जैसे जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के प्रायोरिटी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ के नहीं हैं। जैसे अभी आएंगे तो यहाँ पे बाढ़ इज़ अ प्रायोरिटी इशू, जल भराव इज़ अ प्रायोरिटी इशू, तो इन सब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स का टाइमली कम्प्लीशन इज़ अ प्रायोरिटी इशू। जनता दर्शन, जन सुनवाई, क्वालिटी डिस्पोजल, दीज आर प्रायोरिटीज। तो हर जगह थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, हर सिटीज़ की, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग काम। डेफिनेटली टाइमली डिस्पोजल और क्वालिटी डिस्पोजल्स, कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जिसमें डिस्पोजल्स में इश्यूज आते हैं, तो मेरा मानना है कि पहले तो हम लोग बात करके कोशिश करें कि डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाएं। अगर थोड़ा सा इश्यूज़ हैं तो एटलीस्ट कंप्लेनेंट्स को पता होना चाहिए कि समस्या का निस्तारण किस तरह से हो। ये संवाद अगर हमारे जो जांच अधिकारी जो मतलब कम कर पाते हैं, तो इसे हमें देखना है कि लोग एटलीस्ट शिकायतकर्ता को बता पाएँ इस मैटर का निस्तारण कैसे होगा, नहीं तो वो अन्यथा परेशान होता रहे और मैटर का डिस्पोजल्स नहीं होगा। जो डिस्पोजेबल है वो 100% डिस्पोज किया जाएगा, जिसमें कुछ कमी है या जो हमारे लेवल का नहीं है, तो उसमें एटलीस्ट हम लोग ये बताने की स्थिति में रहें कि आपका ये निस्तारण कैसे हो सकता है, ताकि वो वैसे परस्यू कर सकें। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को शुरू होने वाले योग अमृत सप्ताह की तैयारियों को लेकर विकास भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मंगलवार से योग अमृत सप्ताह शुरू होगा, जो आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए यूथ फॉर ह्यूमैनिटी थीम बनाया गया है, जिसकी बैठक की गई है, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 25 करोड़ लोगों को एक साथ योग करने का टारगेट है। 3,50,00,000 यूपी का है और 8,00,000 गोरखपुर जिले का लक्ष्य रखा गया है, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभागों, एनजीओ, पतंजलि सहित अन्य लोगों से वार्ता की गई है। मंगलवार से आयुष कवच ऐप पर नंबर और फोटो सभी लोगों को अपलोड करना है और योग का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, योग सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि योग करना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जो कि भारत की धरोहर है। इस अवसर पर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी के उनको आप कंपल्सरी ऑर्डर करेंगे कि भाई आपको ये योग कराना है, बोले सीनियर साहब ने निर्देश दिए, साथ ही योग करेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूं, सारे तहसीलदार जितने भी एक्सपेक्टेशन, और आप लोग अपने वीडियोस को सहयोग करेंगे, आप सबकी तो फोटो शाम को आनी चाहिए, मैं 7 दिन में सबको हेल्दी होना है, एटलीस्ट बेसिक योग आ जाना चाहिए। एडीओ पंचायत मैंने बता दिया, डीआईओ ऑफिस कौन आया, आप हैं, आप कर दीजिए इवेंट, स्कूलों में कैसे कराओगे योग, ये नहीं बताओगे कि छुट्टी है, बताइए कि घर में बच्चे बैठे हैं कि मैडम अभी मैडम आपको जो हमारी आयुष कवच ऐप है उसका लिंक शेयर कर देगी और वो सारे प्राइवेट स्कूलों में पहुंच जाए, बच्चा घर में बैठते हो, क्लियर है। और अगर कोई स्कूल में स्पेशल अपने टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए योग कराता है, तो हम उसको अप्रिसिएशन लेटर जारी करें स्पेशल एफर्ट्स लगा के, क्योंकि स्कूल कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल समर कैंप लगा रहे हैं, 6:30-6:30 समर कैंप मैंने देखा स्कूलों में लगते हुए, तो जो वो बच्चे आ रहे हैं उनका तो जरूर करा रहे हैं। आयुष कवच ऐप में आपने डालना है, आरसीएम ऑफिस से बना है, आप आया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने आपके, आप लोग जो है वो हम लोग भी आपको जरूर कोई लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो तो बने इस चीज के लिए, ये क्लियर हो जाए, ठीक है, ये नोट कर लो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आपकी, तो अपने मैं उनसे
से बात करते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर भी देख रहे हैं, डीडी कल्चर कहाँ पर और आरटीओ टूरिज्म से कौन है? डीडी कल्चर साहब आप मुझे एक मिनट देना पड़ेगा, आपको ये टूरिज्म से कौन है? आप ये टूरिज्म की साइट हो गई, स्पेशली वो साइट्स जहाँ जो रिलेटेड है आजादी के मतलब आजादी से मतलब जो हमारे जहाँ स्वतंत्रता सेनानी, और साथ में सर्किट हाउस के भी हम स्पेस यूज करेंगे, उसके साथ फिर आगे चंपा देवी पार्क आते हैं वहाँ भी होगा, तो बड़ा वहाँ पे सर आप है आए सर अरे सर, तो पुलिस लाइन में अगर जी से बात हुई थी तो रोड योग स्टार्ट होना है जो कल से योग अमृत सप्ताह शुरू हो रहा है और आज़ादी के 75वें वर्ष जो पूर्ण हो गए हैं, जो हमारा थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी, उसके लिए ये बैठक ली गई है। इसके साथ साथ 21 को जो हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है उसकी प्लानिंग माइक्रो प्लानिंग के लिए ली गई है। इसमें जो पूरे भारतवर्ष का 25 करोड़ का टारगेट है और योग करने का लोगों के द्वारा, और 3.5 करोड़ पे करोड़ के लोगों का यूपी का है, 8 लाख गोरखपुर का है। इसको कैसे हमने 7 दिन में करना है, इसके लिए हमने पूरी माइक्रो प्लानिंग की है, सारे विभागों को, सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन को, पतंजलि, गायत्री परिवार, आर्ट ऑफ लिविंग, इस तरह की बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे आज वार्ता की गई है। और हमने जो इसमें कल से आयुष कवच ऐप पे योग करते हुए नंबर्स और फोटो अपलोड करनी है, और इसमें इंडिविजुअल भी रहेंगे, ग्रुप भी प्रेजेंटेशन रहेगी, और डिटेल्ड में हम लोग करेंगे, और योग का जो है हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे। योग सबको करना चाहिए क्योंकि योग का हेल्थ के लिए सबसे बेनिफिट है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए भी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो योग को अपने दिनचर्या में रखते हैं, और ये तो हमारा पुराना बहुत बड़ा एक हमें धरोहर मिली है और हमें इसमें बढ़ चढ़ के योगदान देना चाहिए। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने IGRS मामलों के निस्तारण पर बोलते हुए कहा कि जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनने के लिए निर्देश दिया गया है, जिससे कि किसी कार्यालय में अगर कोई नागरिक आता है तो उसकी समस्या को सुन लिया जाए। सभी अधिकारियों का हमेशा लक्ष्य रहता है कि समस्याओं का तुरंत निस्तारण कर दिया जाए। कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जो कि निस्तारण नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें न्यायालय का आदेश होता है। इसके अलावा अगर हमारे द्वारा प्रकरण का निस्तारण होता है तो उसका पूरा प्रयास किया जाएगा, अगर नहीं हो पाता है तो उसको बता दिया जाएगा कि किस जगह जाने से उसकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा गांव की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए लेखपालों, पंचायत सेक्रेटरी के समय को रोस्टर निर्धारित किया जाएगा, जिससे कि गाँव में ही बैठ कर उनकी समस्याओं का निस्तारण हो सके, तथा IGRS पर आए मामलों की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी। इस में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, बेसिकली एक तो सभी अधिकारी लोग अपने कार्यालय में बैठेंगे, समय एटलीस्ट जो पब्लिक आए उनका ग्रीवांसेस रिड्रेस हो जाए, सुन लिया जाए, और अगर रिड्रेसेबल हो और विचार करने लायक हो तो 100% उसका रिजोल्यूशन मिलता, ये हम लोग का ओपिनियन है। टाइम बाउंड वे में कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जिसका निस्तारण संभव नहीं होता क्योंकि माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश होता है, इस टाइप का आबादी का इशू होता है, उसमें अगर बात अगर मैटर सॉल्व होता है तो उस पर हम लोग प्रयास करेंगे, अदरवाइज एटलीस्ट उनको बता दिया जाएगा कि कौन सा फोरम है जहाँ से इस मैटर का निस्तारण किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग मैकेनिज्म बना रहे हैं कि गांव में लेखपालों का भी टाइम फिक्स कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी का भी टाइम और रोस्टर फिक्स कर रहे हैं, ताकि ये लोग गांव में ही बैठ के वहीं अगर समस्या सुन लेंगे तो जिस तरह से भीड़ उच्च अधिकारियों के यहाँ आती है इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, और गुणवत्ता वाइज और क्वालिटी वाइज हम लोग इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सोमवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्र कार्यालय पर मुख्य अतिथि अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त SB सिन्हा द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय में बने नए कॉन्फ्रेंस सभागार का उद्घाटन किया गया तथा कार्यालय का निरीक्षण कर जायजा लिया गया, जिसके संबंध में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने बताया कि पिछले कई महीनों से क्षेत्रीय कार्यालय पेंशनरों अंशदाताओं को अपनी सेवाएं अच्छे और सक्षम तरीके से दे रही है, और कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई है उनके परिवारों को जो भविष्य निधि की सहायता है उसको काफी तत्परता से कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस रूम का उद्घाटन किया गया जिसमें पेंशनरों को सभागार में समाधान देने में सुविधा होगी। क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय भवन में बने कॉलोनियों का निरीक्षण भी किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इस अवसर पर
क्षेत्रीय आयुक्त अभ्यानंद तिवारी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शशांक जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एस बी सिन्हा ने कहा, अभी भी जैसे ये पूरे उसमें ये एक होता है ना, इसका हम लोग कुछ ये हमने पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त का पदभार संभाला था। उसके बाद से गोरखपुर का मेरा अभी तक कोई दौरा नहीं हुआ था, तो इसी क्रम में आज हम गोरखपुर दौरे के लिए यहाँ पधारे हैं। और पिछले कई महीनों से गोरखपुर ऑफिस हमारे पेंशनरों को या और जो हमारे अंशदाता हैं उनको अपनी सेवाएं काफ़ी सक्षम और अच्छे तरीके से प्रदान कर रहा है। और कोविड के कारण या उससे जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को भी हम लोग हर एक तरीके से जो भविष्य निधि की सहायता हो सकती है, चाहे भविष्य निधि हो या पेंशन हो या IDLI हो, उसको काफ़ी तत्परता से कर रहे हैं। और आज की कड़ी में एक यहाँ पे इन लोगों ने कॉन्फ्रेंस रूम बनाया था, जिसमें कि वो हम पेंशनरों को या और लोगों को जो समाधान दे सकते हैं तो उसमें उसको और सुविधा हो सके,
और बाकी हमारे नियोक्ता हैं चाहे और कर्मचारी हैं, उनको प्रशिक्षित करनी हो तो उसमें भी सुविधा होगी। तो आज मैंने उसका उद्घाटन किया है और कुछ जो हमारे श्रमिक हैं काफ़ी दिनों से पेंशन के लिए, उनका किसी कारणवश मिल बंद होने के कारण या अन्य किसी कारण से पेंशन नहीं हो पा रहा था, तो उनके कर्मचारियों को हम पेंशन वितरित करेंगे। आज का मुख्य कार्य निरीक्षण भी किया गया आपके द्वारा परिसर? हाँ, हमने एक कार्यालय भवन और हमारी जो कॉलोनी है ये पूरे परिसर का निरीक्षण भी किया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अभियोजन विभाग में दो अधिकारियों द्वारा पैसा लेकर गैंगस्टर बनाने का वीडियो हुआ वायरल। जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को सौंपा जांच। जांच में दोनों अधिकारी पाए गए दोषी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा दोनों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के लिए शासन को लिखा पत्र। मंगलवार को शुरू होने वाले योग अमृत सप्ताह की तैयारियों को लेकर सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक का। 21 जून को योग दिवस में गोरखपुर से 8 लाख लोगों के शामिल होने का रखा गया है लक्ष्य। योग दिवस पर शामिल होने के लिए किया जा रहा है प्रचार प्रसार। IGRS पर आई शिकायतों के निस्तारण पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सभी अधिकारियों को 10 बजे से कार्यालय में बैठकर सुनने के लिए दिया गया है निर्देश। हर हफ्ते IGRS पर आई शिकायतों की जाएगी समीक्षा। सभी मामलों का 100% किया जाएगा निस्तारण। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में बने नए कॉन्फ्रेंस सभागार का मुख्य अतिथि अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त SB सिन्हा ने किया उद्घाटन। निरीक्षण कर कार्यालय का लिया जायजा। कहा पेंशनरों को सभागार में उनकी समस्याओं के समाधान देने में होगी सुविधा। दो पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर SBI ने पुलिस सर्विस पैकेज स्कीम के तहत 40-40 लाख रुपए की दी सहायता। SSP डॉक्टर विपिन ताडा व बैंक के मैनेजर ने दोनों पुलिस कर्मियों के परिजनों को सौंपा चेक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय पर पेंशनर सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अनाथ बच्चों को कार्यालय पर बुलाकर पौधा देकर किया गया सम्मानित। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आदेश की प्रति हस्तगत करते हुए उन्हें भी किया गया सम्मानित। और जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट से पर्यटन विभाग के ग्राउंड में हुआ शिफ्ट। जिलाधिकारी ने कहा कलेक्ट्रेट के नए कार्यालय के निर्माण होने तक नागरिक पर्यटन विभाग में स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर बता सकते हैं अपनी समस्याओं का 100% होगा समाधान। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस। Conditions apply. चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की।
राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ, इक्सी IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें और सिटी स्कैन, 2D इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार मेडिकल कॉलेज रोड, चरगांव, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। अरकम सी ट्रेवल्स आर ए खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसएसबी डॉक्टर विपिन ताडा ने 2 पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर एसबीआई के पुलिस सर्विस पैकेज स्कीम के तहत आर्थिक सहायता के रूप में 40-40 लाख रुपए का चेक सौंपा, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि 2 पुलिसकर्मी निशांत विश्वकर्मा, अजीत राय हैं, जिनकी मृत्यु दुर्घटना में हो गई थी, जिनका खाता एसबीआई में पुलिस सैलरी पैकेज में खुला था, जिसके तहत एसबीआई बैंक की तरफ से मृतक पुलिसकर्मियों के परिजनों को बीमा सुविधा के अंतर्गत 40-40 लाख रुपए का चेक आर्थिक सहायता के रूप में दिया गया है, जिसमें मेरे द्वारा परिजनों को चेक प्रदान किया गया, जिसके लिए एसबीआई बैंक को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों से अपील करता हूं कि सभी पुलिसकर्मी अपना खाता पुलिस सर्विस पैकेज में करा लें, जिससे भविष्य में अगर किसी के साथ दुर्घटना घटती है तो योजना का लाभ मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, वो करके प्रेस नोट जारी हो जाएगी, तो ऐसा मृत्यु हुई थी इस प्रकार से ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में, और फिर इन्होंने अपने जीवन में रहते ये अकाउंट खोला था और ये पॉलिसी अपनाई थी, जिसके चलते आज इनको मृत्यु के पश्चात इनके माता पिता को ये प्राप्त हुआ SBI से, जो जरिए SSP गोरखपुर इनको उपलब्ध कराया गया। ये जो बेनिफिट वाला पॉइंट है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ये अपना रुचि रखेंगे। सैलरी पैकेज में खुले हैं कि नहीं खुले हैं, तो हम उसको सैलरी पैकेज में कन्वर्ट कर देंगे सर। कई ऐसे भी होंगे जिनकी सैलरी आ रही होगी लेकिन सैलरी पैकेज का कोड इंडिकेट करना पड़ता है सर, तो हम वो कर देंगे। तो अकाउंट जो सेविंग होता है सर,
हम जाके पैसा भेज देंगे वहाँ। तो तीन मुझे तीन काम पड़ेंगे आज। एक तो मेरा अकाउंट मेन अकाउंट जो है रामपुर मेन ब्रांच में रामपुर में सर, उसको यहाँ ट्रांसफ़र करवाना होगा। दूसरा मुझे एक एटीएम करवाना है, मेरा एटीएम को भूल गया सर, वो करवाना होगा। अगर लोग इन्वेस्ट करवा देते हैं तो ठीक है भाई, क्या हम उधर जाएंगे? जी इसमें हमारे दो पुलिसकर्मी हैं जो जिनकी ड्यूटी पर दुर्घटनावश मृत्यु हो गई थी, निशांत विश्वकर्मा और अजीत राय जी। इनके दोनों के परिजनों को आज SBI बैंक की तरफ से प्रत्येक परिवार को 40-40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, क्योंकि उनका अकाउंट SBI बैंक में था जो कि पुलिस सैलरी अकाउंट के स्कीम के अंतर्गत कवर्ड था, और इसमें दुर्घटना पश्चात इनकी मृत्यु होने पर बैंक की तरफ से इनको परिजनों को 40 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। और ये सराहनीय कार्य है कि हमारे कर्मचारी पुलिस विभाग के जो ड्यूटी पर शहीद हो गए हैं, ड्यूटी पर रहते दुर्घटनावश जिनकी मृत्यु हुई है, उनको मृत्यु के पश्चात उनके परिवारों को बैंक द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। मैं इसके लिए पुलिस परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ बैंक के कर्मियों को, और मैं सभी पुलिस वालों को भी निवेदन करूँगा कि अपने इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में, अपने नॉमिनीज कौन रहेंगे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें, ताकि यदि कोई दुर्घटनावश कोई गंभीर घटना घटित होती है तो उन परिस्थितियों में आर्थिक समस्या से परिवार को नहीं जूझना पड़ेगा। इसके लिए संवेदनशील पुलिसकर्मियों को रहना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय पर पेंशनर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त SB सिन्हा ने अनाथालय से आए अनाथ बच्चों को पौधा देकर सम्मानित किया, तथा साथ ही वर्तमान सदस्यों के पेंशनरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आदेश की प्रति हस्तगत करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया एवं उनका अभिनंदन किया गया, जिसके संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त अभ्यानंद तिवारी ने बताया कि गोरखपुर कार्यालय में अपने समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत जिस तरह से कर्मचारियों के समस्याओं का समाधान किया गया है वह काफी सराहनीय है। काफी दिनों से कुछ श्रमिकों का पेंशन नहीं मिल पा रहा था, तो कर्मचारियों को पेंशन वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि ACN सहयोगी संस्था द्वारा अनाथ बच्चों को कार्यालय पर बुलाकर पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त SB सिन्हा, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शशांक जायसवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त अभ्यानंद तिवारी ने कहा, आज बहुत ही खुशी का मौका है सर, हमारे यहाँ से डिस्पैच भी करते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि सर अपने हाथों से ही उनको वितरित करते हैं। तो आज इस खुशी के मौके पे जब अपर केंद्रीय आयुक्त भेंट की जाएगी, जिनका नाम मैं बुला रहा हूँ, हृदय से सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में जो मूल मंतव्य है वो यह है कि जिस विचार या जिस कल्पना से इस ऑर्गेनाइजेशन इस संगठन का स्थापना की गई, उसी को प्रेरित किया, उसी को समर्थित करना है। मूलतः आज जिन पेंशनर्स को हमें इन्वाइट किया है उनके सम्मान के लिए, ये मूल के जो सालों से अपनी जो उनका हक बनता था सर, उसके संदर्भ में किसी न किसी तकनीकी बाधा, कोई नियमगत कोई समस्या
जिसमें उनका कोई दोष नहीं था, ये भी नहीं कहूँगा उसमें विभाग का दोष था, लेकिन एक ऐसी जटिलता थी जिससे वो सब मेल से भी इसी जगह पे आकर के ये लोग मिले थे। उन्होंने जो उनको वो बार बार रिवांश भी पेश करते थे, तभी ये सकारात्मक ऊर्जा भी मिली। सर से मैंने चर्चा किया था कि सर इस तरह के कुछ चुनिंदा संस्थान रहे हैं जो बंद हो गए हैं, और उनका एक मुख्य समाधान करना ही उनका संकल्प था कि हम कुछ सिस्टमिक ऐसी व्यवस्थाएं लाएं कि वो उनको आना ना पड़े बार बार, और जो एक तरह से प्रक्रियागत बाधाएं थी उनका एक सार्थक समाधान हो, स्ट्रक्चरल एक सॉल्यूशन मिल गया। एक पॉजिटिव पर्सुएशन और जो नोटिसेज वो भी जा सकते थे गए, विभाग फाइनेंस सक्षम रहा के सेशन में, और हम लोगों ने वहाँ उनको समझाया एक मुफ्त समाधान किया जाएगा और आपको व्यक्तिगत रूप से इन्वाइट भी किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सर इनके बार बार आने क्रम में ये पीड़ा जरूर होती थी, कुछ तो मिले थे और उनके आँख में हमने सर आंसू भी देखा था। गोरखपुर कार्यालय ने अपने समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत और प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत जिस तरह से हमारे जो कर्मचारी हैं, अंशदाता हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया है वो काफ़ी सराहनीय है। हम जोनल ऑफिस में रह के भी सरैया सुगर मिल से संबंधित बहुत सारी शिकायतें हमारे पास भी आती रहती थी, और हम लोग कई बार इस पर चर्चा भी करते रहते थे कि किस प्रकार से इस मिल के जो कर्मचारी हैं बंद पड़ी हैं काफ़ी दिनों से, उनके समस्याओं का एक बिल्कुल निश्चिंत और आखिरी समाधान निकाला जा सके। आज बड़े हर्ष का विषय है कि उसकी प्राथमिक समस्या थी कि उसमें कोई अथराइज सिग्नेटरी नहीं था क्लेम फॉर्म को साइन करने के लिए। हमारे क्षेत्रीय आयुक्त ने लिक्विडेटर के साथ, उसके बंद पड़े मिल के प्रबंधन के साथ काफ़ी बातचीत करके और इस समस्या को सुलझाया, और इस क्रम में जो इनका हमारे जो कर्मचारी हैं, अंशदाता हैं, लाभार्थी हैं, उनका जो हक बहुत पहले बनता था, जो उनको नियमित रूप से मिल जाना चाहिए था, उसके लिए भी कई कानूनी हो या प्रबंधन हो चाहे कार्यालय हो, किसी भी कारण से उनको काफ़ी दिनों तक कष्ट झेलना पड़ा। इसके लिए हम लोग उनके क्षमा प्रार्थी हैं। मीडिया को अपन निजी भविष्य आयुक्त सिन्हा सर साहब की तरफ से ये प्यारा सा पौधा भेंट किया जा रहा है। अंशिका, अनुराधा, रवि, अमित, कार्यालय प्रभारी महोदय की तरफ से ये पौधा दिया जा रहा अमित कृष्णा को, अनिश का अमन, 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 शिकायतों के समुचित एवं अस्थाई समाधान के क्रम में ही आज के इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि रखी गई थी। ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर से संबंधित कुछ पुराने प्रतिष्ठान थे, कुछ पुरानी कंपनियां हैं जो काफ़ी समय से बंद हैं, और उसके अंशधारकों को कई वर्षों से प्रक्रियागत समस्याओं के कारण से काफ़ी तकलीफें आ रही थी, क्योंकि संस्थान बंद है, अगर कंपनी बंद है तो कोई उसका
क्लेम फॉर्म अटेस्ट करने के लिए जो छोटी छोटी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं उस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, तो उसी क्रम में हम लोगों ने कोशिश ये किया था कि इस समस्या को समझें, और इसके लिए हमने लगभग 100 दिन का दैनिक लोक अदालत यहाँ आयोजित किया था जो रोज़ प्रति कार्य दिवस पे होता था, और उस दरमियान हम जब पेंशनर्स से जो भी यहाँ लोग आते हैं पीएफ में मेंबर्स उनसे जब हम व्यक्तिगत रूप से मिलते थे तो एक्चुअल पता चलता था कि उनकी डिफ़िकल्टी किस किस लेवल की है। उसी क्रम में सरया सुगर मिल यहाँ बहुत पुरानी कंपनी थी और 10 साल से अधिक समय से बंद है वो, और वह हितधारक अपने छोटी मोटी आवश्यकता के लिए पीएफ क्लेम पेंशन के लिए कई सालों से इधर उधर भटक रहे थे। तो फिर उसमें कैसे एक मुफ्त समाधान निकाला जाए कि अभी तक जो भी लंबित दावे हैं जो शिकायतें उसका निवारण करें और भविष्य में आने वाले जो भी उनके दावे होंगे उसका भी समुचित निपटान हो, उसी क्रम में हम लोगों ने जो एक मुफ्त समाधान की पहल की थी, और आज उन सभी पेंशनर को बुला करके उनको सम्मानित किया गया, और ये एक उनको एक संदेश भी दिया गया कि अब तक जो भी प्रक्रियागत कारणों से आपको तकलीफ हुई है उसके लिए उसके बावजूद भी ये विभाग आपका अपना है और आप इसके अंशधारक हैं, उनको इससे जोड़ा गया, उनसे वृक्ष लगवाए गए, और साथ में एक कुछ शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने मतलब जो अपने सिविल सोसाइटी के लोग जो कि वैसे भी समाज में आगे बढ़ करके वंचितों के हितों में कुछ अच्छा योगदान करते हैं, तो उसी क्रम में हमने कुछ बड़े हॉस्पिटल से संपर्क करके अपने जो हमारे पेंशनर्स हैं ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय के पेंशनर्स बहुत 12 जिलों में फैले हैं, 1 लाख से ज़्यादा संख्या में हैं, तो उनकी दो समस्याएं होती हैं हम देखते हैं हम लोग, एक तो उनके अंगूठे का निशान क्लियर नहीं आता है आधार के संदर्भ में, और दूसरा ये कि आयरिश में भी कई बार कैश नहीं कर पाता है, तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन में दिक्कत आती थी, और उसी क्रम में फिर हमने इन अस्पतालों से संपर्क करके उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए क्या मुफ्त में हो सकता उसकी पहल की थी, और ये बहुत सुखानुभूति है कि वे लोग आए सामने आए मुफ्त में इन लोगों के ऑपरेशन का भी वो कार्यक्रम चल रहा है। सर अनाथ बच्चों को भी सम्मानित किया गया सर जी, इसमें चूँकि ईपीएफओ जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जो कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाली बाकी संस्थाओं की तुलना में, तो ये दो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हो सकते हैं, एक तो जो बच्चे अनाथ हो गए और दूसरे जो वृद्ध हैं, क्योंकि अगर जो संगठित क्षेत्र का कामगार है अगर वो पीएफ का मेंबर है और उसकी असामयिक देहांत हो जाती है तो उनके बच्चों को पेंशन देता है विभाग, और कहीं ना कहीं जो अनाथ बच्चे थे वो इसके बेनिफिशरी हो सकते थे अगर उनके पिताजी संगठित क्षेत्र में काम करते और वो मतलब पीएफ के मेंबर रहते वो इसको कंटिन्यू किए होते, या वृद्ध वो जैसे कि 58 साल के बाद से हमारे पेंशन जो मेंबर्स हैं उनको पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन मिलती है, तो ये सिंबल एक तरह से संकेतवाद के माध्यम से भी जोड़ा गया इन दोनों चीज़ों को कि अगर समय रहते हम लोग एक सामान्य जो पीएफ का सदस्य हो सकता है वो सचेत है तो वो उसकी भावी पीढ़ी और उसका फ्यूचर उसका बुढ़ापा संरक्षित है, इसलिए हमने दोनों तरह के तबकों को अनाथालय और वृद्धाश्रम दोनों तरफ से लोगों को बुलाया था, सम्मानित किया, उनसे वृक्षारोपण कराया, उनका नाम चिन्हित हमेशा रहेगा विभाग में, उनकी आइडेंटिटी जुड़ी रहेगी। जिलाधिकारी कार्यालय रेलवे बस स्टैंड स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय में शिफ्ट हुआ। कार्यालय वहीं शिफ्ट होने के बाद जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश कार्यालय पहुंचे और जनता की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि पुराने जिलाधिकारी कार्यालय का निर्माण होकर नवनिर्मित कार्यालय बनना है जिसमें लगभग 2 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा, इसलिए कोई भी नागरिक रेलवे बस स्टैंड स्थित पर्यटन विभाग के ग्राउंड में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं को बता सकता है, उनकी समस्याओं का शत प्रतिशत निस्तारण किया जाएगा। तो
किसी भी कोई मदद का ही लेट पति गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अभियोजन विभाग में दो अधिकारियों द्वारा पैसा लेकर गैंगस्टर बनाने का वीडियो हुआ वायरल। जिलाधिकारी ने एडीएम सिटी को सौंपा जांच। जांच में दोनों अधिकारी पाए गए दोषी। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, दोनों अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के लिए शासन को लिखा पत्र। मंगलवार को शुरू होने वाले योग अमृत सप्ताह की तैयारियों को लेकर सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ की बैठक का। 21 जून को योग दिवस में गोरखपुर से 8 लाख लोगों के शामिल होने का रखा गया है लक्ष्य। योग दिवस पर शामिल होने के लिए किया जा रहा है प्रचार प्रसार। IGRS पर आई शिकायतों के निस्तारण पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनने के लिए सभी अधिकारियों को 10 बजे से कार्यालय में बैठकर सुनने के लिए दिया गया है निर्देश। हर हफ्ते IGRS पर आई शिकायतों की जाएगी समीक्षा। सभी मामलों का 100% किया जाएगा निस्तारण। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय में बने नए कॉन्फ्रेंस सभागार का मुख्य अतिथि अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त SB सिन्हा ने किया उद्घाटन। निरीक्षण कर कार्यालय का लिया जायजा। कहा, पेंशनरों को सभागार में उनकी समस्याओं के समाधान देने में होगी सुविधा। दो पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में हुई मृत्यु पर SBI ने पुलिस सर्विस पैकेज स्कीम के तहत 40-40 लाख रुपए की दी सहायता। SSP डॉक्टर विपिन ताडा व बैंक के मैनेजर ने दोनों पुलिस कर्मियों के परिजनों को सौंपा चेक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय पर पेंशनर सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अनाथ बच्चों को कार्यालय पर बुलाकर पौधा देकर किया गया सम्मानित। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन आदेश की प्रति हस्तगत करते हुए उन्हें भी किया गया सम्मानित। और जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट से पर्यटन विभाग के ग्राउंड में हुआ शिफ्ट। जिलाधिकारी ने कहा, कलेक्ट्रेट के नए कार्यालय के निर्माण होने तक नागरिक पर्यटन विभाग में स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर बता सकते हैं अपनी समस्याओं का 100% होगा समाधान। अब मुझे दी इजाजत। नमस्कार।